तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के उर्दू का मस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा 21 से लेकर 30 चैप्टर तक का, यानी कि ऑलरेडी मैं आप लोग को 1 से लेकर 10 चैप्टर तक सबसे पहले जितना भी मस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो करा दी पहले वीडियो में। फिर उसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड हुआ जिसमें 11 से लेकर 20 चैप्टर तक के सभी मस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करा दी। और ये तीसरा वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम लोग 21 से लेकर 30 चैप्टर तक के सभी मस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। और ये जितना भी मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रही हूँ आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी क्वेश्चन में से आप लोग के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसीलिए एक भी वीडियो मिस मत कीजिए और हर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आप लोग कमांड कर लीजिए, ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोग फाइनल एग्जाम में छोड़ करना है, हर एक क्वेश्चन आप लोग बना कर आए, ठीक है ना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। 21 से लेकर 30 चैप्टर तक के जितना भी मस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं रिटन आंसर आप लोगों को कराती हूँ, और आप लोग ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा। और आप लोग सबसे पहले तो खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कि आप लोग खुद से आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। इस तरह आप लोग की तैयारी की जांच हो जाएगी कि आप लोग कितना तैयारी किए हैं, आप लोग कितने सवालों का जवाब दे पा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद से तो मैं आप लोग को आंसर बताऊंगी ही, तो आप लोग आंसर भी देख लीजिएगा कि किस तरीके से लफ्ज़ों को सजा कर आंसर लिखा गया है। और इससे आप लोग को आइडिया मिलेगा कि आप लोग भी किस तरह से फाइनल एग्जाम में लफ्ज़ों को सजा कर आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दें, ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और स्टार्टिंग में ही लाइक कर दें, क्योंकि अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसी दुनिया में हम लोग खो जाएंगे, तो स्टार्टिंग में लाइक शेयर वगैरह कर दिया करें, ठीक है। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पर क्लास ट्वेल्थ उर्दू मस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर। और क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 76 यानी कि 76 नंबर सवाल से, क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 76 है कि समझता हूँ मगर दुनिया को समझाना नहीं आता, दुनिया को समझाना नहीं आता क्यों कह रहे हैं। यानी कि यगाना चंगेज़ी जो है इस नज़्म इस गज़ल के जो शायर हैं, समझता हूँ मगर दुनिया को समझाना नहीं आता, ये गज़ल का मिसरा है एक। और इस मिसरे में जो है यगाना चंगेज़ी दुनिया को समझाना नहीं आता क्यों कह रहे हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए आंसर में लिखा हुआ है, हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा आंसर टफ लगे, लेकिन पढ़ रही हूँ मैं, सुनिएगा। ज़ेर नज़र मिसरा, यहाँ पर मिसरा गलत टाइप हुआ है, देखिए थोड़ी सी उर्दू टाइपिंग गलत हो जाती है, उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। मिसरा आप लोग जानते हैं इस तरह से लिखा जाता है मिसरा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ज़ेर नज़र मिसरा यगाना चंगेज़ी की ज़ेर निसाब दूसरी गज़ल के मक्ते का दूसरा मिसरा है। यानी कि ये जो मिसरा है, ये लाइन समझता हूँ मगर दुनिया को समझाना नहीं आता, ये जो लाइन है ये मिसरा यानी कि ये लाइन यगाना चंगेज़ी के ज़ेर निसाब दूसरी गज़ल, यानी कि हम लोग के बुक में यगाना चंगेज़ी की जो दूसरी गज़ल दी गई है उस दूसरी गज़ल के मक्ते का यानी कि आखिरी शेर का दूसरा मिसरा है, यानी कि दूसरा लाइन है, ये बताया गया है। आप लोग चाहें तो इससे आसान लिख सकते हैं, इतना टफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि ज़ेर नज़र मिसरा जो है यगाना चंगेज़ी के गज़ल का है, बस इतना लिख सकते हैं। इतना टफ़ अगर आप लोग नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस मिसरे में शायर कहता है कि मुझे दुनिया और इस दुनिया की सियासी हालात पर गहरी नज़र है, मैं यह सभी बात खुद तो समझता हूँ मगर दुनिया को समझाना नहीं आता। शायर इस मिसरे के ज़रिए, इस लाइन के ज़रिए क्या कहना चाहते हैं? शायर कहना चाहते हैं कि मुझे दुनिया और इस दुनिया की सियासी हालात पर गहरी नज़र है, मैं ये सभी बात खुद तो समझता हूँ मगर दुनिया को समझाना नहीं आता। यानी शायर खुद समझने का दावा भी करता है और वह इन तमाम बातें दुनिया को समझाने से कासिर है, इसलिए शायर कहता है कि मुझे दुनिया को समझाना नहीं आता। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आप लोग चाहे तो अपने भाषा में, देखिए आंसर आप लोग इस तरह से लिखिए कि लगे कि आप अपनी भाषा में लिखे हैं, लफ्ज़ों को सजा कर लिखिए आराम से, सिंपल से लफ्ज़ का यूज़ करते हुए, जिससे पढ़कर जो कॉपी चेक करने वाला है वो मोटिवेट हो जाए, पढ़कर खुश हो जाए और आप लोग को फुल मार्क्स दे दे, इस तरह से आप लोग को लिखना है। तो चाहे तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं तो अपने हिसाब से आप लोग आंसर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 है यानी कि 77 नंबर सवाल कि नीला साहिबान से क्या मुराद है। तो नीला साहिबान से शायर की मुराद आसमान का साया है, यानी कि नीला साहिबान का मतलब क्या, आसमान का साया, आसमान का छाया भी आप लोग कह सकते हैं। शायर के मुताबिक सूरज अगर शायर पर मेहरबान नहीं है तो क्या हुआ, सूरज तो कायनात का एक तिनका है, यहाँ पर एक
दिन का लिखा गया है, तिनका रहेगा, तिनका, ठीक है, तिनका। यहाँ पर लिखा गया है कि सूरज तो कायनात का एक तिनका है, शायर को नीले आसमान के साए का पूरा भरोसा है, इसलिए शायद रंजो आलम की हालत में भी मायूस नहीं है। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है, आंसर थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है आंसर में कि शायर के मुताबिक सूरज अगर शायर पर मेहरबान नहीं है तो क्या हुआ, सूरज तो कायनात का एक तिनका है। सूरज चाहे मतलब सूरज की तमाजत कितनी भी बढ़ जाए, सूरज की गर्मी कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन शायर को अपने नीले साइबान पर क्या है, भरोसा है, यानी कि जो आसमान की छाया है, ठीक है, आसमान की साया, उस पर भरोसा है, इसलिए शायर जो है वो रंजोलम की हालत में भी मायूस नहीं है, क्योंकि वो उसको अपने नीले साइबान यानी कि आसमान की छाया पर विश्वास है कि गर्म जो है सूरज कितना भी गर्म क्यों ना हो जाए, कितनी भी तेज़ धूप क्यों ना हो जाए, सूरज से कितनी भी तेज़ क्यों ना धूप निकले, लेकिन मुझे अपने नीले साइबान पर भरोसा है, विश्वास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 78 है कि खलीलुर्रहमान आज़मी का ताल्लुक उर्दू अदब की किस तहरीक से रहा। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, खलीलुर्रहमान आज़मी का ताल्लुक उर्दू अदब के तरक्की पसंद अदबी तहरीक से रहा। ये दो नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी वजह से इस तरह के क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा लंबा नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, खलीलुर्रहमान आज़मी के दो मुआसरीन का नाम बताइए। तो खलीलुर्रहमान आज़मी के दो मुआसरीन का नाम बता दिया गया है, शायर नासिर काज़मी और इब्ने इंशा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा। क्वेश्चन नंबर 80 यानी कि 80 नंबर सवाल है कि खलीलुर्रहमान आज़मी का पेशा क्या था। ये आप लोग के मॉडल पेपर में पूछा गया सवाल है। उनका पेशा जो था वो तदरीस का था। ठीक है, तदरीस का था। 81 नंबर क्वेश्चन कि खलीलुर्रहमान आज़मी की अदबी खिदमात पर रोशनी डालिए। अदबी खिदमात पर रोशनी डालना है खलीलुर्रहमान आज़मी के। तो देखिए, आंसर में लिखा हुआ है कि खलीलुर्रहमान आज़मी एक साथ शायर और नक्काद दोनों हैसियत से अहमियत के हामिल रहे हैं, यानी कि ये शायर भी थे और नक्काद भी थे। खलीलुर्रहमान आज़मी की तीन शेरी मजमूए शाये हो चुके हैं, यानी कि तीन शेर और शायरी का किताब प्रकाशित किया जा चुका है, कागज़ी पैरहन, नया अहदनामा, ज़िंदगी ऐ ज़िंदगी, ये तीनों शेर व शायरी के किताब का नाम लिख दिया गया है। आसमा ए आसमा के नाम से उनकी शायरी का एक इंतखाब भी 2000 में मंजरे आम पर आया। उनके तनकीदी मजामीन के मजमूए फ़िक्र व फ़न, जाविय निगाह और मजामीन ने नौ है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आसमा ए आसमा ये जो किताब है, शेर व शायरी का किताब, इसको भी जो है प्रकाशित किया गया, कब, 2000 में प्रकाशित किया गया था, और उसके बाद से खलीलुर्रहमान आज़मी का तनकीदी मजामीन भी है, तनकीदी मजामीन का मजमू यानी कि किताब, जिसका नाम है फ़िक्र वफ़न, ज़ाविय निगाह और मजामीन। ठीक है, ये तीनों क्या है, तनकीदी मजामीन की किताब है। इनकी एक मसनवी भी है, सहरुल बयान। ठीक है, मतलब सॉरी, जो मसनवी सहरुल बयान है उस पर खलीलुर्रहमान आज़मी जो है ना भरपूर मुकदमा लिखकर शाये किए थे। मसनवी जो सहरुल बयान है, इस मसनवी पर खलीलुर्रहमान आज़मी एक मुकदमा लिखे थे और उन्होंने उस मुकदमे को शाये किया था। रशीद अहमद सिद्दीकी की निगरानी में खलीलुर्रहमान आज़मी ने तहकीक की थी और उनका तहकीकी मकाला उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक में शाये हुआ। ये भी याद रखिएगा, अदबी तहरीक, ये इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि खलीलुर्रहमान आज़मी का तहकीकी मकाला का नाम क्या है, तो उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 82 नंबर क्वेश्चन है कि शायर ने सरे अलम मिलाकर कितने अदद का इजाफा किया है। तो शायर अता काकवी ने सरे अलम मिलाकर एक अदद का इजाफा किया है, यानी कि 1381 में एक इजाफा करके 1382 हिजरी बनाया है। ठीक है, गम अरशद में अरशद के दो बेटों का भी जिक्र है, दोनों के नाम बताइए। आप लोग जानते हैं गम अरशद के दोनों बेटे जो हैं, यानी कि अरशद काकवी के जो दोनों बेटे, उनका नाम है जमील और अकील। ये हर एक चीज़ मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ, खैर आप लोग जानते भी होंगे। अगर आप लोग चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग एक बार क्लिक करेंगे ना, सारा वीडियो आप लोग को वहीं पर मिल जाएगा, आसानी से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 नंबर सवाल है कि अरशद काकवी और अता काकवी में क्या रिश्ता है। तो अरशद काकवी और अता काकवी में बाप बेटे का रिश्ता है, यानी अरशद काकवी मरहूम बेटे थे और अता काकवी उनके बाप थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 85 नंबर सवाल कि कादरी से किस बुज़ुर्ग की निस्बत जाहिर होती है। तो लफ्ज़ कादरी से गौश पाक हज़रत मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत जाहिर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मीनार तस्कीन से क्या मुराद है, तो मीनार तस्कीन से मुराद तसल्ली का स्तून है, यानी कि मीनार तस्कीन का मतलब क्या होता है, तसल्ली का स्तून, ठीक है, सिंबल आप यूँ कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर कि मौलाना निज़ामुद्दीन किस साल अमीर शरीयत मुंतखब हुए, तो मौलाना निज़ामुद्दीन जो हैं वो 1999 हिजरी में, यहाँ पर हिजरी लिखा गया है, हिजरी, ठीक है, 1999 हिजरी में अमीर शरीयत मुंतखब हुए थे, यानी कि अमीर शरीयत बनाए गए थे। 86 नंबर क्वेश्चन कि अता काकवी के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालिए, अब यहाँ पर आप लोगों को अता काकवी के हालात के बारे में बताना है, तो देखिए लिखा गया है यहाँ पर अता काकवी भी गलत लिखा गया, अता इस तरह से रहेगा, अता काकवी, अता काकवी का असल नाम रशीद, एक मिनट रुक जाएं, अता काकवी यहाँ पर ते नहीं रहेगा, तो से रहेगा और एन और तो से, जिस तरह यहाँ पर अता काकवी लिखा गया ना उसी तरह यहाँ पर भी रहेगा अता काकवी। अता काकवी का असल नाम यानी कि रियल नेम सैयद शाह अताउर रहमान था, 17 सितंबर 1900, यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, देखिए 1900, आप लोग को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अता काकवी की पैदाइश कब हुई थी, तो 17 सितंबर में और किस साल, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो चलिए इसको आप अगर जानते हैं तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, यहाँ पर थोड़ा सा आप यूँ कह सकते हैं कि टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो खैर इसको छोड़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अता काकवी का रियल नेम सैयद शाह अताउर रहमान था और बिहार के मर्दुमखेज गांव कांको में पैदाइश हुई थी इनकी, हालांकि यहाँ पर ईस्वी में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो इसको आप लोग इग्नोर कीजिए, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा बुक में, वैसे भी मैं आप लोग को पढ़ाई हूँ और खुद मुझे अभी इस वक्त याद नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। आगे बढ़ते हैं, अदबी दुनिया में अता काकवी के नाम से मशहूर हुए थे अता काकवी, लेकिन इनका रियल नेम क्या था, सैयद शाह अताउर रहमान। पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू और फारसी में इन्होंने एमए किया था और बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर बन गए थे और सदर जमहूरिया हिंद की तरफ से इन्हें सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स के खिताब से नवाजा भी गया था। 8 मार्च 1998 ईस्वी को ये पटना में इनका इंतकाल हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है कि अनीस के सलाफ में किस मसनवी निगार का नाम आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो अनीस के सलाफ में यहाँ पर खिलाफ लिखा गया, सलाफ में मीर हसन मसनवी निगार का नाम आता है, मीर हसन याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्सिया की अज्जाए तरकीबी क्या है, तो मर्सिया की अज्जाए तरकीबी यानी कि मर्सिया में जो चीज़ें होनी चाहिए वो कौन कौन सी है, तो देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है, सबसे पहला पॉइंट कि चेहरा, इस हिस्से में अमूमन हमद नात मनकबत और मुनाजात वगैरह तमहीद के तौर पर बयान किए जाते हैं। दूसरा चीज़ जो मर्सिया में होना चाहिए वो है सराया, इस हिस्से में मर्सिया के हीरो का जिक्र होता है, जो मर्सिया का हीरो है उसका जिक्र होता है। तीसरी चीज़ जो होनी चाहिए मर्सिया में वो है रुखसत, हीरो का हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जंग में जाने के लिए इजाज़त लेना शामिल है। आमद यानी कि हीरो का घोड़ा पर सवार होकर शान व शौकत के साथ जंग में आना, ठीक है, जंग में आना। उसके बाद से रिजिज़ है, हीरो की ज़ुबान से अपने जंग में महारत का इजहार करना, और उसके बाद से है जंग यानी कि हीरो को किसी नामी पहलवान से या दुश्मन की फौज से बहादुरी के साथ लड़ना, और नेक्स्ट पॉइंट है शहादत, हीरो का दुश्मनों के साथ ज़ख्मी होकर शहीद हो जाना, और लास्ट पॉइंट है बीन यानी कि हीरो की लाश पर उनके अजीज़ों खसूसन औरतों का रोना वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मर्सिया में होनी चाहिए, यानी कि ये सारी चीज़ें मर्सिया की अज्जाए तरकीबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन कि हरनौटा किसे कहते हैं, तो खूबसूरत और गठीले बदन के नौजवान को हम लोग हरनौटा कहते हैं, हरनौटा ये इस तरह लिखा जाता है, यहाँ पर हरनौटा रहेगा। 90 नंबर क्वेश्चन कि म्यांमार किसको कहते हैं, म्यांमार जो है ना राजमिस्त्री को कहते हैं। रेहट से क्या मुराद है, तो रेहट कुएं से पानी निकालने वाला एक आला है जिसमें पहिए लगा रहता है, जिस और इसी आले से हम लोग रेहट से पानी, पहले के ज़माने में पानी निकाला जाता था, ठीक है, कुएं से पानी निकालने का काम रेहट से किया जाता जो कि एक तरह से मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुसन्निफ़ थकान मिटाने के लिए क्या तरकीब करता था, तो मुसन्निफ़ जब रेहट चलाते चलाते थक जाता और काम से भारी, देखिए भारी होकर यहाँ पर फारिग रहेगा, काम से फारिग होकर जाता था तो पहले पूरे बदन में अच्छी तरह तेल मालिश करता था, फिर पानी गर्म करता था और उसी गर्म पानी से अच्छी तरह गुसल करता और इस अमल से मुसन्निफ़ के दिन भर की थकावट दूर हो जाती और जिस्म फूल की तरह हल्का और लतीफ़ हो जाता, तो थकान मिटाने के लिए
मुसन्निफ़ ये सारी तरकीबें करता था। तो यही सब जो है ना मुसन्निफ़ ये सारा काम करते थे, एहसान दानिश जो कि मुसन्निफ़ है वो ये सारा काम करते थे। रेहड़ चलाकर आते थे, थक जाते थे तो अच्छी तरह पहले तेल मालिश करते थे बदन पर, और उसके बाद से गर्म पानी करते थे और अच्छे से गुसल करते थे यानी कि नहाते थे, और इससे होता था कि मुसन्निफ़ के दिन भर की थकावट दूर हो जाती थी और बदन हल्का हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्ता की मौत कैसे हुई? तो रत्ता एहसान दानिश के साथ रेहट पर काम करता था। रेहट का काम दरअसल बहुत मेहनत तलब था, उस काम को बैल किया करते थे, लेकिन बैल नहीं मिलने पर यह काम आदमी से लिया जाता था। रत्ता अपने घरेलू मजबूरी की वजह से रेहट चलाने का काम करता था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसके पेट में दर्द होने लगा, लेकिन मजबूरी थी वह काम पर जटा रहा और आखिरकार तीन चार दिन तक काम पर वह नहीं आया। फिर मालूम हुआ कि उसे तीन चार खून के दस्त आए और बस दुनिया को खैराबाद कह गया, यानी कि उसका इंतकाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरी कहानी तो मैं आप लोगों को बताई हूँ, खुदनविश जो है एहसान दानिश का मैं यूनिवर्सिटी में ये हर एक चैप्टर पढ़ाया जा चुका है, तो अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ रखा है तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं खुद से, और खुद से आंसर लिख भी सकते हैं। बस आंसर पता रहना चाहिए कि किसके साथ क्या क्या हुआ, और कहानी पता रहना चाहिए कहानी में क्या क्या हुआ था, नज़्म में क्या क्या बताया गया था, गज़ल में क्या क्या बताया गया था, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ और पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेहट रेहट के पानी से कौन कौन से काम लिए जाते थे? तो रेहट के पानी से कई काम लिए जाते थे। रेहट के पास एक नाली निकलती थी जो हौज में जाती थी। हौज बड़ा था और हर वक्त पानी से भरा रहता था। इस हौज के पानी से ईंटें भिगाई जाती थी, गाढ़ा और चूना भी बनाया जाता था और दीवारों पर भी छिड़का जाता था। तो ये सारा काम जो है ना रेहट के पानी से लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सौदागर ने बादशाह के साथ कैसा सलूक किया? तो सौदागर ने बादशाह के साथ धोखेबाजी करता है सौदागर बादशाह के साथ, और उसकी बीवी को लेकर भाग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर सवाल है कि बादशाह की परेशानी क्यों बढ़ गई? तो बादशाह की परेशानी बेगम के खो जाने की वजह से बढ़ गई। सौदागर धोखा देकर बादशाह की बेगम को ले गया और काफिले के साथ दूर निकल गया। बादशाह दोपहर तक बेगम का इंतज़ार करता रहा, लेकिन जब बेगम नहीं आई तो सोचा कि खुद जाकर तलाश करना चाहिए। दोनों लड़कों के साथ तलाश में निकला, बहुत तलाश किया लेकिन सिवाय पाँव के निशान के कुछ न मिला। मजबूरन बच्चों को साथ लेकर उसी तरफ चल दिया। चंद कदम चला होगा कि रास्ता भूल गया और परेशानियाँ बढ़ती चली गई, ठीक है ना। तो बादशाह की परेशानी बढ़ जाती है कि उसकी जो बेगम रहती है ना, उसकी बेगम को सौदागर धोखेबाजी के साथ लेकर चला जाता है, धोखा देकर उसके बेबी को उठाकर लेकर भाग जाता है, और उसके बाद से बादशाह की परेशानी बढ़ जाती है। अगला सवाल है कि बादशाह के बच्चे कहाँ गए? तो बेगम की तलाश में जब बादशाह अपने बच्चों के साथ चला तो एक दरिया किनारे पहुँचा। दरिया में न पुल था न कश्ती थी। मजबूरन एक लड़के को दरिया के किनारे बिठाया और छोटे को कंधे पर लेकर दरिया में उतर गया। अभी आधा दरिया पार किया था कि दरिया के किनारे वाले लड़के को भेड़िया उठा ले गया और वह चिल्लाया, मगर बादशाह ने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो इधर उसके कंधे पर से छोटा वाला बच्चा गिर गया और इस तरफ बड़े लड़के को भेड़िया ले गया और छोटा बेटा दरिया में डूबकर मर गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, बादशाह किस मिजाज का आदमी था? तो बादशाह बहुत ही अच्छे मिजाज का आदमी था। वह नेकी और इंसाफ को पसंद करता था। उसकी नेकी की वजह से पूरे मुल्क में अमन व ईमान कायम था। उसके नेक सिफत की वजह से अवाम बादशाह को फरखंद वक्त और खुदा दोस्त वगैरह अलकाब से पुकारते थे। कोई भी साइल जैसे ही कोई सवाल करता तो फौरन उसकी फरियाद सुनी जाती और उसकी ज़रूरत को पूरा किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन है कि सौदागर ने बादशाह से क्या कहा? तो सौदागर जो है ना बादशाह के साथ फरेब किया और कहा कि मैं एक ताजिर हूँ, काफिला बाहर उतरा है, मेरी बीवी को दर्द ज़ेह हो रहा है यानी कि डिलीवरी की दर्द हो रही है, दाई की तलाश में देर से हूँ, दाई मिलती ही नहीं है, आप बुज़ुर्ग आदमी हैं, मेहरबानी कीजिए और अपनी नेक बख्त बीवी को खुदा के वास्ते मेरे साथ जाने दीजिए ताकि मेरी बीवी को तकलीफ़ से निजात मिले। और इस तरह सौदागर को बादशाह जो है ना अपने बादशाह अपने बीवी को सौदागर के हवाले कर देते हैं और सौदागर बादशाह की बीवी को ऐसे लेकर भागता है कि दोबारा वापस नहीं लौटता है, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन है,
कि चूहों से बचने की तलकीन करने वाले इश्तहार के उनवान में लोगों ने किस बात का इजाफा किया। तो चूहों से तलकीन करने वाला जो इश्तहार था, असल इश्तहार ये था कि न चूहा न प्लेग, और इजाफा किया गया तो क्या बन गया, न चूहा न प्लेग और न क्वारंटीन, यानी कि लास्ट में न क्वारंटीन का इजाफा कर दिया गया। ठीक है, अगला सवाल है कि क्वारंटीन अफसाने में साफ सफाई का काम करने वाले भागों का नाम क्या था, पूरा नाम क्या था। तो क्वारंटीन अफसाने में सफाई का काम करने वाले भागों का पूरा नाम विलियम भागो था। क्वारंटीन ज़्यादा अमवात का बास क्यों है। ठीक है, तो क्वारंटीन ज़्यादा अमवात का बास इसलिए है, यानी कि यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि क्वारंटीन नाम का जो जगह था वो वहाँ पर ज़्यादा मौत हो रही थी, तो ज़्यादा मौत होने का कारण क्या था आखिर। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पर कि क्वारंटीन ज़्यादा अमवात का बास इसलिए है कि क्वारंटीन में बहुत से मरीज़ अपने सामने बहुत से लोगों को दम तोड़ते हुए देखकर वह भी हिम्मत हार बैठते थे। कई मरीज़ तो ऐसे थे जो दूसरे मरीज़ को अपने सामने मरते देखकर मौत से पहले ही मर जाते थे, तो इस वजह से क्वारंटीन जो था वो ज़्यादा अमवात का बास था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि ज़रूरत से ज़्यादा ब्रांडी पीने का डॉक्टर पर क्या असर हुआ। तो ज़रूरत से ज़्यादा ब्रांडी पीने का डॉक्टर की सेहत पर यह असर हुआ कि उसका दिल धक धक करने लगा, नब्ज़ घोड़े की तरह तेज़ दौड़ने लगी और डॉक्टर एक पागल की तरह इधर उधर भागने लगा। उसे यह भी शक होने लगा कि उस पर प्लेग के जरासीम का असर तो नहीं हो गया है। वो बहुत खौफ ज़दा हो गया था, लेकिन जैसे जैसे ब्रांडी का नशा उतरा तब जाकर डॉक्टर को ये एहसास हुआ कि चलो उसको प्लेग नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सारी बात हुई थी डॉक्टर के साथ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर सवाल कि बड़े पादरी लाबे क्या कहते थे। तो जो बड़े पादरी लाबे थे वो अक्सर ईसाई मजहब की तबलीग के लिए क्वारंटीन इलाके में आते रहते थे। वो पादरी लाबे कहते थे कि खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात में से एक अहम तालीम यह है कि बीमारी की मदद में अपनी जान तक कुर्बान कर डालो और बीमारी से बचने के लिए अलग अलग तरीके भी बताया करते थे, यानी कि प्लेग नाम की जो बीमारी थी प्लेग से बचने के लिए अलग अलग तरीके जो हैं वो बड़े पादरी लाबे बताया करते थे। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। अब देखिए लास्ट सवाल 105 नंबर सवाल है कि डॉक्टर प्लेग से अपनी हिफाजत के लिए क्या करता था। तो डॉक्टर प्लेग से अपनी हिफाजत के लिए शाम को घर आने पर कार बालक साबुन से हाथ धोता था। याद रखिएगा, कौन से साबुन से, तो कार बालक साबुन से हाथ धोता था और जरासीम को मार देने वाले गर्म पानी से गरारे करता, पेट को जला देने वाली गर्म कॉफ़ी या फिर ब्रांडी पी लेता था। फिर भी डॉक्टर के दिल व दिमाग पर प्लेग का खौफ सवार रहता था। फिर भी मतलब ये सारा काम करता था डॉक्टर जो है ना, प्लेग से बचने के लिए वो कार बालक साबुन से हाथ धोता था, जरासीम को मार दे यानी कि जर्म्स को मार देने वाले गर्म पानी से गरारे किया करता था, पेट को जला देने वाली कॉफ़ी या फिर ब्रांडी पी लेता था, लेकिन फिर भी डॉक्टर के दिल व दिमाग पर प्लेग का खौफ डर सवार रहता था। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के उर्दू के बुक से चैप्टर नंबर 21 से लेकर 30 यानी कि 30 चैप्टर तक के सभी मस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं और मात्र 10 चैप्टर बचा हुआ है, यानी कि 31 से लेकर 40 चैप्टर तक के सभी मस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं इसके अगले वाले वीडियो में करा दूंगी, जो कि आखिरी वीडियो होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए, वो भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा और बहुत जल्द कंप्लीट भी हो जाएगा 12th क्लास के उर्दू का मस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को जो कुछ भी समझाई और जितना भी क्वेश्चन कराई, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर आई होप आप लोग कर दिए होंगे। अभी तक आप लोगों ने लाइक शेयर नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दे और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दे ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। चैनल पर अगर आप लोग नए आए हुए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।